पिछले 9 सालों में नंबर एक रैंक हासिल करते आ रहा है IITians Learn। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे KIIM हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimshah Mohammed Arif। Myself Ansari Mustafa। My name is Ansari Sania। Myself Sheikh Sadaf Farjan। Myself Sheikh Nadeem। My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt। मैंने NEET 2024 की प्रिपरेशन IITians Learn से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024। I scored marks 600 in NEET 2024। I have scored 99.2 percentile in MSTCET 2024। मैंने IITians का 2 year classroom program लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर एक बार बारिश ने शेल खड़ी रोड मोगरा में दिखाया अपना रंग। कई जगह हुआ जल जमाव, लोग हुए परेशान। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 25 सितंबर दिन की बारिश और उसके बाद शाम की जो जोरदार और तूफानी बारिश हुई है, धुआंधार बारिश हुई है, उस वजह से मुमरा खरडी रोड और शील की हालत दयनीय हो गई। शील में खास करके अचार गली, जहां से हम आपको शुरुआत कर रहे हैं वीडियोस दिखाने की, देखिए कैसी हालत है। यहां पर पानी निकासी का कोई जरिया ही नहीं है। किसी तरह का कोई बड़ा नाला या उसकी कनेक्टिविटी या कहीं कोई गटर का बड़ा निर्माण कुछ नहीं है। कुछ हिस्से में किया गया है, बाकी के हिस्से में नाला या गटर नदारद होने की वजह से यहाँ के निवासियों को, इमारतें तो बनती जा रही है लेकिन नाले गटर का अथा पता न होने की वजह से, फिर बारिश के मौसम में लगातार 4 महीनों में कई दिनों तक, लगभग 2 महीने 2.5 महीने तो इसी हाल से गुजरना पड़ता है। जब जब भी 1 घंटे तक की या 1 घंटे से ज्यादा की बारिश होती है, वही हाल है खरडी रोड का। हम पहले भी 2 से 3 खबरें आपको खरडी रोड की दिखा चुके जहां पर जल जमा होता है, क्योंकि नाला आगे बढ़ा नहीं है, आधे में ला करके वहां पर उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है न बढ़ने की वजह से। इसी तरह से खरडी रोड की भी हालत है, हम पहले भी आपको 2-3 खबरें दिखा चुके हैं। अब इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो नाला बनाया गया वो अधूरा है और जगह जगह जो है नाले घुमाए गए हैं अन्य जगहों पर, तो जिसकी वजह से ये नाला जहां घुमाया गया है उस इलाके में बिल्कुल फलक हॉल और उसके आगे के हिस्से में ये जल जमाव अक्सर होता है और लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है देखिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे मुमरा का MK कंपाउंड, अमृत नगर दादी कॉलोनी से सटा हुआ MK कंपाउंड, जहां पर 3.5 घंटे की बारिश में जब बड़े नाले भर जाते हैं, सड़कों पर पानी आना होता है, तो उससे पहले MK कंपाउंड में ये पानी भर जाता है, लोगों को गंदे नाले के पानी से और जल जमाव से ही गुजरना पड़ता है। तो ये रंग दिखाया फिर एक बार 25 सितंबर को मुमरा, शील और खरडी रोड पर बारिश ने विकास के दावों के बीच। भाई मैं आचार गली में रहता हूँ, ये आचार गली की रास्ते का हाल है, देख लिया पब्लिक जा रही है, यहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, 2 टेम्पो के बीच में एक वैगन आ रहा है, उससे आप गाड़ी का पानी का लेवल का पता अंदाज़ा मिल जाएगा आपको। ये बाजू में ये बड़ी वाली बिल्डिंग है ग्रेन हाइट, ये MC टावर ठीक इसके बाजू से जो गली जाती है आचार गली, वहीं अंदर रहता हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो बना ली और आपको शेयर करूँ। ये देखिए इधर का पूरा नज़ारा, ये देखो भाई ये एक आज 10-15 मिनट थोड़ी बारिश पड़ गई तो ये खरडीगा वाले रास्ते का हाल देखिए। ये सब बड़े बड़े नेता के यहाँ पे बोलबच्चन करके आते,
और यह हालत देख लो, कैसा पानी भरा हुआ है। रस्ते तो कुछ रहे ही नहीं है, रस्ते तो बह के चले गए। अब आदमी का बहना ही बाकी है मुमरा वालों का। देख रहे कैसा बच्चे लोग कैसा पानी में चल चल के आ रहे हैं। बच्चे लगता है स्कूल स्कूल से आ रहे हैं। इनको कुछ हो गया तो इनकी जान का जिम्मेदार कौन रहेगा भाई। ये देखो आगे भी वैसा ही है और यहाँ पे भी। देखो ये थोड़ा आगे आके क्या हालत है। सबको पता है भाई इधर से खाली ऐसा नहीं क्या मैं आ रहा जा रहा हूँ, सब देख रहे सबको मालूम है, लेकिन किसको काम नहीं करने गए। ये तो आज बारिश चालू हुई, ये अभी तो ठंडा ही था ना भाई, बारिश वारिश कहाँ हो रही थी, करने वाले कर दिए रहते काम। ये इतना ही रास्ता बचा है, इधर ही से जाओ इधर ही से आओ। ये तो स्विमिंग पूल है अपना, थोड़े दिन में हम मच्छी पकड़ेंगे अपन लोग।